Hello. Hi. So good to see all of you. Good to see you Kaise? Too. Same here. I'm seeing you after so long. Sorry, मैं आपकी पत्नी जिसे आप मानते नहीं हैं। जी जी। हम चारों को लगा कि आप हम चारों को बोल रही हो। हाँ, हम सब एक्साइटमेंट से देख रहे थे। यहाँ पे भी मैं कंफ्यूज था। यहाँ भी मैं कंफ्यूज हूँ। काली साड़ी पहन जादू टोना करना शुरू कर दिया। करूंगी करूंगी। वैसे कार्तिक, आप सच में मतलब किसी रियासत के शहजादे लग रहे हो। I must say. Don't you be blushing? मंजू, तुम भी कम नहीं लग रही हो। तुम भी किसी रियासत की नैनी लग रही हो। नैनी क्या होता है? बीवी हूँ मैं तुम्हारी। शादी की तुमने। हो गई गलती, आगे से नहीं करूंगा किसी से शादी। माफ कर दो मुझे। यार गलती ना मैंने की है तुमसे शादी करके। नहीं सीरियसली, लाइक अच्छा खासा मेरे परिवार वालों ने एक शहजादा देखा था मेरे लिए। फिर शहजादा ने इसे देख लिया। उसके बाद ना किसी को शहजादे ने आज तक देखा ना उसके माँ बाप को, वो कंट्री छोड़ गए। कपिल भी अपनी रियासत का शहजादा ही है। ये आप सर इसे ना बकवास बातें करवा लो बस। हाँ, और कुछ नहीं। हाँ, बातें करवा लो। मेरा शो ही बातों का। मैं क्या रस्सी पे चल के दिखाऊं इधर? I'm wearing Kartik sunglasses. Don't talk to me. सुनो, हाथ में कटोरा ले लो, परफेक्ट मैच होगा। मुझे बड़ी खुशी है, आज पहली बार 10 साल में तुमने इम्प्रोवाइज किया है। मैं ये चश्मा तुम्हें लगाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लगा लो। सुनो। क्या है? सुनो, मैं जो बोलने आई थी, तुमने मेरे किचन के डब्बों में ताले क्यों लगाए? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के मुंह पे नहीं लगा सकता ना मैं। इसलिए लगाया मैंने डिब्बों पे ताले। एक साल हो गया मेरे घर में रुके हुए। इतना खाते, उस दिन वो बर्तन मांजने वाला स्पॉन्ज नहीं होता, उसमें आलू प्याज डाल के बर्गर बना खा गया। अरे किचन की लाइट बंद थी, अंधेरा था, पापा कंफ्यूज हो गए। किचन की लाइट बंद थी, दिमाग की लाइट तो चलती ना। स्वाद तो आता ही है बंदे को स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज का कैसी बातें कर रहे हो? कार्तिक को क्या लगेगा? कैसे दामाद हो जो अपने ससुर के बारे में ऐसी बातें करता है? अच्छा, कार्तिक को स्पॉन्ज वाली बात का कुछ नहीं लगेगा कि पिताजी स्पॉन्ज खा रहे हैं? मेरा ही लगेगा सब। नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। कार्तिक, वो बेटी और दामाद का प्यार है जो उन्हें खींच के लाता है, वरना हमारे गांव में आधे किलोमीटर तक हमारी हवेली है। हवेली नहीं है वो, अंग्रेजों के टाइम की रेलगाड़ी बंद पड़ी थी। ये पर्दे लगा के उसमें रहने शुरू कर दिए इन्होंने। कौन सी हवेली में 600 खिड़कियां होती हैं? अभी इतनी लंबी रेलगाड़ी है, 4 डिब्बे इन्होंने बस रुमाल रख दिया उसपे। सुनो, तुम भी कोई महल में नहीं रहते हो। और महल छोड़ो, जब से शादी हुई है हम एक ही खटारा गाड़ी में घूमते हैं। सीखो कुछ कार्तिक से, साल में 4-4 गाड़ियां बदलता है वो। हर फिल्म में हिरन भी तो बदलता है वो। मैं बदल लूं बीवी? देखा है, मारपीट में उतर आती है, ऐसे करने लगती है। ये ना ये सब बातें अभी कर रहा है, शादी से पहले। लाइक आई रिमेम्बर जब हम पहली बार मिले थे, मैं बारिश में भीग गई थी और इसी ने हेल्प की थी मेरी। हेल्प क्या की थी वो भी तो बता। ये छाते बेच रही थी, मैंने छाता खरीदा था। और इनके कबीले में रिवाज है, जो इनसे छाता खरीद ले उसे शादी कर लेती है। तब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं नहीं, तुम मेरे पीछे पड़े थे। और ऐसा पड़ा कि इंस्टाग्राम में मेरे प्रोफाइल में जाके एक ही टाइम पे सारी फोटोज लाइक कर दी। इंस्टाग्राम आया था नया नया, मेरे को ब्लॉक का नहीं पता था कहाँ से होता है। उस चक्कर में फोटो अब चेक करके देख तू। अच्छा, ब्लॉक का नहीं पता है तो उस पर कमेंट से दिल कौन डालता था? डालना नहीं पड़ता, उंगली ऐसे लग जाए तो दिल अपने आप बन के आ जाता है उधर। हम नहीं डालते हैं। मेरे अलावा अगर कोई और दूसरी लड़की होती ना, कब की छोड़ के चली गई होती। तुम अपने आप को दूसरी समझो, छोड़ दो। बात खत्म करो ना। अगर मैं दूसरी हूँ तो पहली कौन है? अब कृति तुम्हारे सामने बोलेगी कि शी लाइक्स मी। चाहती क्या हो? अरे सामने छोड़ो, प्रीति पीछे भी नहीं बोलेगी, मेरा दावा है। और भूलना मत, पति को जब भी प्रॉब्लम होता है ना, बीवी ही साथ में खड़ी होती है, कोई हीरोइन नहीं आती है। अच्छा, प्रॉब्लम में बीवी साथ खड़ी होती है, और अगर प्रॉब्लम ही बीवी हो तो कौन खड़ा होगा? लोग शादी के बाद 2 से 3 होते, हम 13 हो गए, 9 बच्चों के साथ इसके माँ बाप यहाँ पे आ गए। I don't want to see your face in naked eyes.
In naked eyes? With naked eyes. हाँ, with naked eyes. रोनित सर, आप देख रहे हैं, ये मतलब घूम फिर के ना बेसिकली मेरे माँ बाप पे आ ही जाते हैं. बेसिकली हाँ, वही है. तो तुम्हारे माँ बाप भी तो घूम फिर के इधर आ ही जाते. मैं कितनी बार ना, मैं इसके पिताजी की आंखों पे पट्टी बांध के जंगल में छोड़ाया और सूंघ के फिर वापस आ जाते. इतने खतरनाक है ये लोग. सूंघ के तुमको, by God, सच में कुछ नहीं दिखाई देता. बीवी का प्यार नहीं दिखता. बीवी जो एफर्ट्स डालती है, दिन के टीम टाइम का खाना बनाती हूँ मैं इसके लिए. और शादी के पहले किचन का मुंह तक नहीं देखा था. रेलगाड़ी में किचन होता ही नहीं, तो रहते तो रेलगाड़ी में. किचन कहाँ आएगा. यहाँ पे पहली बार आके ना, इन्होंने मेरे किचन में जब मैंने गैस जलाई ना, नाचने लग गए. कहते जादू. बोलते बिना लकड़ी की आग जल गई. तुम्हारे कबीले में था कभी गैस सिलेंडर का रिवाज. झूठ बोल. कार्तिक, आप भूल भुलैया में भूतों को काबू में करते थे, इसको काबू में करने का क्या तरीका है? रोनित सर, आपकी सिक्योरिटी एजेंसी है ना, कोई ऐसा अलार्म है जिससे सास ससुर का मुंह देख के बजना शुरू हो जाए और फिर गर्म पानी फेंकना शुरू कर दे, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है? बनाते हैं, बनाते हैं. अभी बनाइए सर प्लीज. तुमको शर्म वरम है कि नहीं? हमें 2 साल हो गए शादी को, आज तक अर्चना मैम हनीमून तक नहीं गए हम. मैंने 2-3 लड़कियों से पूछा, वो कहती तुम शादी शुदा हो, हम नहीं जाएंगे. ऐसा बेशरम. मैं मेरे साथ हनीमून की बात कर रही हूँ. तुम्हारे साथ मैं दिवाली ना मनाऊ. यार ये परेशान क्यों कर रही है हमें? सुनो, एक काम करना, ये जो तुमने ताला लगाया ना, सोनी टीवी को बोलो खोले और तुम आज से काजू बादाम खाना, बड़ा आया था माँ की दाल खाने. ताला लगा के रखना पड़ता है, ड्राई फ्रूट को ताला लगा के रखना पड़ता है भाई. इसको कोई चाबी नहीं बनी जो खोल पाए, इसको सिर्फ प्यार की चाबी से खोला जा सकता है. राजपाल भाई को हमने हमेशा देखा है ना, ये सोशल मीडिया पे अपने फैंस के आगे कोई ना कोई मुद्दों पे बात करते रहते हैं. अच्छा ना, आप जेन्युइनली आप बेबाक हो या भाभी के सामने मुंह नहीं खुलता तो इंस्टाग्राम पे खोल लेते हो? नहीं भाई, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ. अच्छा. हाँ, तो जो भी निकलता है वो भले ही बेवकूफी का निकले, अच्छा निकले, लेकिन दिल से निकलता है, सच्चा. क्या बात है. मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि रोनित सर को ऑस्कर विनिंग फिल्म 0 Dark 30 के लिए भी ऑफर आया था, तो उस समय स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए इन्होंने वो फिल्म छोड़ दी. क्या आपके दिमाग में आया था कि कहीं हॉलीवुड से पेमेंट लेट होगा तो कहां पकड़ता फिरूंगा उनको? अरे नहीं सर, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी. वो हाँ, 0 Dark 30 के लिए ऑफर आया था और विदाउट ऑडिशन. अच्छा जी. उन्होंने बोला था ये बस, वी डोंट नीड एन ऑडिशन, वी कैथरीन बिगलो हू इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, she said she's seen your work and she wants you in the role. Wow. Nice. Thanks. Yeah. Wow. अरे wow ना. ये trailer. हुआ ये कपिल के फिर वो जो क्योंकि उनकी फिल्म तो obviously scheduled होती है, वो हिल नहीं सकती. ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं अगले साल आना, जैसे ये बोलता है. तो करण के पास मेरी dates थी, तो मैंने उनको पूछा, मैंने इट्स अ बिग इवेंट फॉर मी इन माई लाइफ हॉलीवुड की पिक्चर करना, वो भी ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर के साथ. तो बोला नहीं नहीं नहीं, इट्स करण ने नहीं उनके साथ जो, बोले नो इट्स नॉट पॉसिबल, वी कांट रिलीज द डेट्स. तो मैंने उनको मना कर दिया. एक हफ्ता भर बचा था करण की शूटिंग के लिए, तो मैंने उनको फ़ोन किया, आई सेड क्या हुआ, देयर इज नो इंटीमेशन, आपकी शूटिंग थी. बोला नहीं हम नहीं कर रहे. सो हाँ, इट इज द बिगेस्ट बमर ऑफ माई लाइफ. तो ना उनका करने दिया और ना यहाँ हुआ. Oh, good God. होता है कुछ, होता है कभी चीजें. ये एथिकल होने की ना यही प्रॉब्लम होती है. नहीं मुझे लगता है कि भाई इसीलिए मैं एथिकल रहता है. कभी कभी इक्का खुलता है लेकिन ट्रंप की दुक्की मार जाती है. मार जाती है. होता है, होता है, होता है, होता है. अच्छा, कृति भी फिल्म मेकर्स के लिए इतनी लकी है ना कि लीड रोल में जब खुद तो होती है, अगर नहीं भी होती है तो इनको गेस्ट रोल में बुला लिया जाता है. जैसे बहुत सारे फिल्मों में स्त्री कलंक, पति पत्नी और वो हीरोपंती या इंग्लिश मीडियम. तो ये गेस्ट रोल जो होते हैं ये फ्रेंडली होते हैं या चेक फ्रेंडली होते हैं? नहीं, ये फ्रेंडली होते हैं. फ्रेंडली होते हैं. कोई भी चेक फ्रेंडली नहीं था. हाउ स्वीट कृति, इतनी अच्छी हो तुम. मेरे साथ भी, मुझे भी ले लो कभी, चाहे हीरो ही रख लो अपने साथ. कार्तिक ने ना भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद एक फोटो डाली जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे भूषण जी ने, जो टी सीरीज के ओनर है, उन्होंने कार गिफ्ट की और उन्होंने लिखा कि नेक्स्ट गिफ्ट प्राइवेट जेट.
उसके बाद ही भूषण जी ने कहा कि खुद प्रोड्यूसर बन जाओ भाई। ये अर्चना जी कह रही थी कि मैं कार्तिक से बोलूंगी कि अगर ये प्राइवेट जेट लेगा तो उसमें मुझे एयर होस्टेस रख ले। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उसके और क्या, वो जहाज चलाओगी आप? तू यहाँ से निकालने का इरादा है तुझे? अरे हमारे शो की पायलट है आप। आप बताओ, हैप्पी बीइंग द पायलट। हाँ, पायलट जहाज उड़ाता है, इन्होंने बंदे उड़ा दिए। हे भगवान, सच निकल जाता है मुंह से। मैं आज सोच रहा था कि मैं जाऊंगा आज, मैं ना, क्योंकि कपिल भाई के शो में कई बार आने का सौभाग्य मिला। हाँ। आज बहुत सीरियस रहूंगा। अच्छा, लेकिन कसम से ये शो कभी सीरियस रहने नहीं देगा। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये पूछना चाहती थी, राजपाल तुम सुना है कि तुम भी रह जाए एक्सोटिका में, शिफ्ट हो गए मर्ड में? मुझे 2 साल हो गए। तुम्हें देखा नहीं मैंने कभी। अरे लेकिन मैं सुबह, लेकिन 2 साल में लॉकडाउन भी तो ज्यादा था। जाके बात कर लो ना, आप पूरा एड्रेस बता दो। ये लोगों के घरों में झांकने की आदत कब जाएगी आपकी? किसने कहां पे घर लिया है? पंकज त्रिपाठी आए, ओ तुमने बंगलो ले लिया है बड़े आइलैंड में? नहीं नहीं, अरे मेहनत कर रहे हैं, अपने पैसे से ले रहे हैं, पता नहीं। रहेजा जब मैं गया था, मुझे सबसे पहला परिचय अर्चना जी यहाँ ही रहती है, तो मैंने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आपके नाम पे मड आइलैंड बिक रहा है। बट वाकई में पता, अगर मैं कमीशन लेती ना तो शायद मुझे यहाँ पर। अच्छा, जैसे नहीं लेती आप। यहाँ बैठना ना पड़ता। अरे ये तो छोड़ो, मड आइलैंड में जो मछली पकड़ते हैं उनसे 10% ले लेती है। हाँ सीरियसली, एक बंदा बेचारा कहता मेरी तो मछली बिकी नहीं, 50 पकड़ी थी उसने, कहती 5 मछलियां दे दो फिर। सीरियसली, फिर उनमें धागा बांध के ना ये समंदर में बैठ के तैर के आती है। कपिल तेरी इमेजिनेशन की दाद दे रहे हो। मगरमच्छ तो बड़े हो गए होंगे ना, जो आपने पाले थे। मेरे अभी तो विजुअल आ रहे हैं, 5 मछली पे मछलियों पे। इन्होंने छोटे मगरमच्छ लिए थे, अडॉप्ट किए थे कहीं से, 2 मगरमच्छ थे। हाँ, तो दोनों को ऐसे रख के ना उस पे एक एक पैर, तो मड आइलैंड से ऐसे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।